कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। तो सबसे पहले इंग्लिश, फील इन द ब्लैंक्स विथ ई एंड, यानी आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, खालिस्तान है, इन खालिस्तानों में आपको ए और एन का प्रयोग करना है। ए और एन का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि हमारी जैसे इंग्लिश में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उसमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं ये कहलाते हैं स्वर, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवल्स। इन 500 को छोड़कर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं वो कहलाते हैं व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं कंसोनेंट। अब ए और एन का प्रयोग करने के लिए इन्हीं का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी भी मीनिंग का या नाउंस का पहला वर्ड ए ई आई ओ यू इन 500 में से कोई एक होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और इन 500 में से कोई नहीं है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है सी ओ डब्लू, काओ। अब देखिए इसमें सी ओ डब्लू काओ में तो पहला लेटर क्या है, सी, क्या है सी, और सी क्या है, कंसोनेंट है, क्या है, कंसोनेंट यानी व्यंजन है। तो इससे जो मीनिंग शुरू होता है, देखिए इसमें ए ए आई ओ में इन 500 में से ये नहीं है तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ए का करेंगे, ए काओ, ए काओ। फिर ए एन आई एम ए एल एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर, इसका फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, ए, क्या है ए, और ए देखिए ए ए आई यू में है यानी वोवल्स है, और वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन एन का करते हैं, किसका करते हैं, ए एन एन का करते हैं। फिर ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, क्या है ओ, और ओ क्या है, वोवल्स है, क्या है, वोवल्स है, तो किसका प्रयोग करेंगे, ए एन एन का, तो एन ऑक्स। फिर है पी ए डबल आर ओ टी पैरोट, पी ए डबल आर ओ टी पैरोट मींस तोता, फर्स्ट लेटर देखिए पी, क्या है ये, पी, और पी क्या है, कंसोनेंट है यानी व्यंजन है। तो इससे जो मीनिंग शुरू होता है कंसोनेंट से, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, ई, तो हमने लिख दिया ए पैरो। फिर है चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी, सी एच ए आई आर चेयर, फर्स्ट लेटर क्या है, सी, सी क्या है, कंसोनेंट, और इससे पहले ए। सिक्स नंबर है ओ एन आई ओ एन, ओनियन, ओ एन आई ओ एन, ओनियन मीन्स प्याज, फर्स्ट लेटर देखिए क्या है, ओ, ओ क्या है, वोवल्स है, किसका प्रयोग होगा, एन का, तो ए एन 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 ऑनियन। फिर ई ए आर ईयर, ईयर मीन्स कान, फर्स्ट लेटर क्या है, ई, ई क्या है, वोवल्स है, तो एन का प्रयोग। फिर वाई ई ए आर ईयर मीन्स साल यानी वर्ष, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, वाई, क्या है, वाई, और वाई क्या है, कंसोनेंट है, तो इसके वजह से इसको हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का करेंगे, ए ईयर, एक साल। पी ई एन पेन, पी ई एन पेन, अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है पेन का, पी, पी क्या है, कंसोनेंट, और ए का प्रयोग। फिर ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, फर्स्ट लेटर ओ, ओ क्या है, वोवल्स है, तो किसका प्रयोग होगा, एन का, तो ये ए एन एन। फिर अगला ही इज खालिस्तान बॉय, वह है लड़का, खालिस्तान है तो बी, इसमें लेटर देखिए पहले क्या, बी ओ वाई बॉय मीन्स लड़का, फर्स्ट लेटर क्या है, बी, बी क्या होता है, कंसोनेंट, इससे पहले ए का प्रयोग, तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। फिर सी इज गर्ल,
वह लड़की है। अब खाली स्थान दे दिया, आर्टिकल भरना है यानी ए एन का प्रयोग करना है। फर्स्ट लेटर क्या है? जी। जी क्या है? कंसोनेंट यानी व्यंजन है, तो ए का प्रयोग। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। फिर यू एट ऑरेंज, तुमने संतरा खाया। अब आर्टिकल भरना है तो यहाँ पर क्या है? देखो ओ है, तो ओ फर्स्ट लेटर ओ है। ओ क्या है? वोवल्स है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एन का करेंगे, ए एन एन। यू एट एन ऑरेंज। और लास्ट में है दे सा मूवी, मूवी मतलब फिल्म। तो इसका फर्स्ट लेटर एम, कंसोनेंट है, किसका प्रयोग करेंगे? ए का। दे सा ए मूवी। तो इस प्रकार से आपको ए और एन का प्रयोग वाक्यों को देखते हुए करना है। फिर है पर्यावरण। इसमें प्रश्न है कि जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति कैसे की जाती है, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं है या पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति कैसे होती है और वहाँ के रहने वाले लोग पानी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। इसका उत्तर देखिए, ऐसे क्षेत्र जहाँ जल की कमी है, ऐसे क्षेत्र जहाँ जल की कमी है वहाँ लोग दूर से पानी लाते हैं। खाली रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पानी की उपलब्धता बहुत कम है, वो पानी लेने के लिए अपने स्थान से बहुत अत्यधिक दूरी से जाकर पानी को लेकर आते हैं। फिर वे काम चलाओ ढंग से पानी का उपयोग करते हैं। ये काम चलाओ का मतलब होता है कि पानी का एकदम अल्प मात्रा में उपयोग में लेना, यानी अत्यधिक पानी का वेस्ट नहीं करना, यानी वो थोड़े से पानी से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। वे अपने घरों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंकों का उपयोग करते हैं। देखिए, जब बारिश आती है तो हुए ढेर सारा पानी व्यर्थ बह जाता है, तो गांवों के अंदर जहाँ पर रेगिस्तानी इलाके हैं वो लोग अपने घरों के आगे एक बहुत बड़ी ज़मीन के अंदर टंकी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टंकी। और उस टंकी को वर्षा में हमारे छतों पर जो बारिश का पानी गिरता है उसको वो पाइप के द्वारा उस टैंकों में क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी का उपयोग नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, सफाई करने में इत्यादि में करते हैं। तो आंसर प्रश्न क्या था हमारा? जल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में जल की आपूर्ति कैसे होती है? तो देखिए, जहाँ जल की कमी है वहाँ लोग दूर से पानी लाते हैं, यानी अपने घर से बहुत दूर चले जाते हैं पानी लेने के लिए। और वे काम चलाऊ ढंग से पानी का उपयोग करते हैं, कि एकदम अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा में पानी का ही उपयोग करते हैं। और वे अपने घरों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टैंकों का उपयोग करते हैं और उस टैंकों में इकट्ठे हुए पानी का वो उपयोग करते हैं। तो प्रश्न पढ़िए, उत्तर को पढ़िए, समझिए और फिर इसको बिना देखा देख लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।